शिवपुरी जिले की करेरा थाना पुलिस ने 20 लाख रुपए की कीमत का गांजा सहित दो बाइक सवारों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांजे की खेप उड़ीसा से ट्रेन के जरिए बबीना तक लाए थे। इसके बाद बबीना से बाइक से गांजा ले जा रहे थे। करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर की रात मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि झांसी की तरफ से दो बाइक सवार गांजे की खेप को लेकर करेरा की ओर जा रहे हैं। सूचना के बाद आई लव तिराहा हाईवे रोड पर चेकिंग पॉइंट लगाकर दोनों बाइक सवारों को पकड़ा गया था। दोनों के पास से प्लास्टिक की बोरियों में 20 किलो गांजे को बरामद किया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। रात्रि में जो गांजा पकड़ा है उसकी क्या कार्रवाई? रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि माया शिव लोधी निवासी जुझाई और कुणाल राजपूत निवासी बबीना का मोटरसाइकिल से अवैध रूप से झांसी रोड झांसी तरफ से गांजा लेके आ रहे हैं। उस सूचना के आधार पर आई लव त्राय पर चेकिंग लगाई गई। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल पर दो आदमी निकले जिनके मोटरसाइकिल पर कट्टे लटके हुए थे। उनकी चेकिंग की गई, उनके नाम पता पूछे। चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से करीब 20 किलो गांजा कीमती करीब 20 लाख रुपए का पकड़ा गया है। आरोपी के विरुद्ध 8/20 के NDPC के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी से गांजे के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।